हे गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं निकला हूँ आपर विला में, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले बस पकड़नी पड़ेगी। बस जो जाएगी मेट्रो तक, फिर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा बस कैसी है कैसी है। तो बस के बाद यहाँ पे भी मेट्रो है। यहाँ की मेट्रो की एक खासियत है, सब अंडरग्राउंड है। आप मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, पूरी मेट्रो आपको अंडरग्राउंड मिलेगी। तो अभी निकले हैं, इस वक्त शाम के 7:15 बज रहे हैं। तो बस 5 मिनट के डिस्टेंस में ही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेट्रो की साइड जा रहा हूँ मैं, उससे पहले बस लूँगा। बस ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया, ठीक है। ये बस मेट्रो तक ड्रॉप करेगी। मेट्रो तो नहीं, यहाँ पे बोला जाता है MRT। MRT जो मेट्रो रैपिड ट्रांजिट जो उसका नाम है। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। फिर मेट्रो से जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाएंगे। पहुँच गया हूँ यहाँ से, मेट्रो लूँगा मैं, कार ले जाता हूँ। ये मैंने कार्ड लगाया, ये बस जा रही है अब डबल डेकर बस। अब यहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस MRT की तरफ, मेट्रो की साइड। ये रास्ता मेट्रो की साइड, वो सामने मेट्रो का गेट। अच्छा, यहाँ दिल्ली जैसी चेकिंग नहीं होती, जब आप कार्ड स्वैप करते हैं उसके बाद सीधा एंट्री कर सकते हैं। सेम कार्ड आपका बस वाला, वो यहाँ मेट्रो में भी जाएगा। देखें, ये एंट्री करी। ये मेट्रो है, इसी में हम आगे का सफ़र करेंगे। ये देखिए यहाँ की मेट्रो, हमें कहाँ तक जाना है? मुझे स्टेशन तक जाना है, फिर यहाँ से मैं चेंज करूँगा। पूरी मेट्रो भी खाली है। तो गाइस, एक स्टेशन से हम उतर गए हैं, अब दूसरी मेट्रो पकड़ने जा रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। तो यहाँ से मैं सेकंड मेट्रो लूँगा जो सीधा डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। तो गाइस, ये है हॉपर विला, टाइगर बाम गार्डन। रात होने को है, हाँ आई थिंक वो लिखा। ऊपर मिला तो गाइस, ये होता है ट्रेस टुगेदर ऐप। मेरे को ये स्कैन करना है, तो
जापान में जा रहा हूँ मैं। ये देखिए स्कैन हो गया, अब मैं आगे जा सकता हूँ। पता नहीं क्या है देखने को, फर्स्ट टाइम है, देखते हैं आगे क्या मिलता है देखने को। तो ये है हापर वेला, यहाँ से एंट्री है। पार्किंग मास्क लगाना कंपलसरी है कहीं भी जा रहे हो आप, वरना अच्छा खासा फाइन चार्ज करते हैं। फिर ये म्यूजियम की ओर, ये है लाफिंग बुद्धा टाइप कुछ। तो देखिए गाइस, ये हैं इसमें हापर विला में, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बाम टाइप, टाइगर बाम। ओके, अलग अलग स्टैचूज बनी हुई है यहाँ पे। और देखिए आई थिंक इनके कोई गॉड होंगे। अच्छा यहाँ पे टॉर्टोइस है, सी टॉर्टोइस है। ये देखिए यहाँ का व्यू, बहुत सारे यहाँ स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, कौन सा रूट कहाँ से जा रहा है। अंधेरा भी हो ही गया अच्छे से। सर्कल ये देखिए
एक केव सा है। लिखा भी है स्टोरी फ्रॉम चाइनीज फोकलोर द एट इमॉर्टल्स इन्वेडेड नेपच्यून्स पैलेस द क्वीन ऑफ द लेक ऑब्जेक्ट प्लेड द रोल ऑफ कंसोलेटर। सो वापस निकल रहा हूँ गुफा से। अंदर गर्मी बहुत थी सीरियसली। अब चलते हैं यहाँ पे। क्या है ये समझना मुश्किल है क्या क्या है। डू नॉट क्लाइम द स्कल्पचर्स। अच्छा ऐसी मूर्ति आपको देखने को बहुत मिलेगी। सिंगापुर चले जाओ चाइना चले जाओ लिखा है लाफिंग बुद्धा। तो ये हैं लाफिंग बुद्धा जो बहुत सेल होती है। मंकी गॉड फ्लावर फ्रूट किंगडम। ओके इनका भी देख ले क्या लिखा है। कॉन्फ्यूशियस हर चीज डिजाइन बहुत ही अच्छी हो रही है। आगे देखने को भी बहुत कुछ है गाइस। जितना होगा मैं कवर करता रहूँगा। वैसे काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ। तो ये कुछ और मिला है। हर स्टैचू के सामने मेंशन है। हर उस पर लिखा हुआ फर्स्ट मंकी गॉड मैजिक सिप्रेस ग्रोव। देखिए ईटिंग मंकीज मंकीज है। एंड फाइनली यहाँ पे ओवर।
तो गाइस हॉपर विला में देखने को यही सब था, स्टैचूज वगैरह आप जब भी सिंगापुर आएँ आपको देखने को मिलेगा। रूट मैंने आपको बताया, बस फिर मेट्रो, मैं तो दो मेट्रो एक्सचेंज करके आया हूँ। बाकी आप बताइएगा आपको जगह कैसी लगी, लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं कुछ न्यू एडवेंचर, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर, बाय।